अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान सा चोको चिप टी केक। तो चोको चिप टी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक रद्द बाउल ली है। बाउल खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। इसके अंदर 2 रद्द अंडे डालेंगे। अंडे ठंडे नहीं होने चाहिए, यानी फ्रिज में पड़े हुए नहीं होने चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, ठीक है। तो अब जो है अंडों को आपने इस तरह से, ये जो विस्क होता है ना हैंड बीटर, इससे मिक्स करना है अच्छे से। किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई अपने घर पे बना सके। तो ये देखिए, बस इतना आपने इसे मिक्स करना है कि जो जर्दी है ना सफेदी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें थोड़ी थोड़ी झाग बनने लग जाए। तो मैं इसे तकरीबन बस 1 मिनट के लिए बीट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पूरे 1 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें इस तरह से झाग बनने लग गई है और अंडे अच्छे से बीट हो गए हैं। तो आपने इसे बीट करना बंद कर देना है। अब इसके अंदर चीनी जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 3/4 कप पाउडर शुगर है, यानी कि 3/4 कप मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ली है। मैंने अभी फ्रेश फ्रेश चीनी पीसी है, आप घर में पी सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें पीसी हुई चीनी ही इस्तेमाल होगी। तो मैं सारी शुगर इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, आपने सारी इसके अंदर डाल देनी है अच्छे तरीके से। ये जो चीनी होती है ना, पड़े रहने की वजह से जो है थिक सी हो जाती है, इसको इसलिए इस तरह से डालना पड़ता है। और अगर आपने काफ़ी दिनों के पीस के रखी है तो आपने छान कर डालनी है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और केक खराब का बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो सारी चीनी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो चीनी डालने के बाद आपने इसे बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि जो चीनी अंडों में अच्छे से हल हो जाए। ये पाउडर शुगर है, पिसी हुई चीनी है, तो आसानी से मिक्स हो जाएगी। सिर्फ 15 सेकेंड्स लगेंगे। ये देखें, मैं इसको आपके सामने मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। इस तरह से आपने मिक्स करना है अच्छे से, ज़रा स्पीड से मिक्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, चीनी भी इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो चुकी है। देखिए, इस फॉर्म में हो गई है ये। अब इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा जिससे अंडों की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसके अंदर 3/4 टीस्पून यानी कि 3/4 चम्मच वनीला एसेंस डालूंगी। ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने 3/4 डाला है। अगर आपकी जो वनीला एसेंस है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने 1 टीस्पून डालना है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वनीला एसेंस महंगा नहीं मिलता, आपको 40 या 45 रुपीज़ में ईजिली किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल 6 टेबल स्पून जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का आपने इस्तेमाल करना है, जो आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आप मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका केक अच्छा बेक नहीं होगा। ये महंगे नहीं मिलते, आपको जो है 300 या 250 में ईजिली किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगे। तो बस ये देखें, 6 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मिल्क जाएगा, यानी कि दूध। यहाँ पे जो है मैंने 6 टेबल स्पून लिया, यानी कि 6 खाने का चम्मच। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, यानी फ्रिज में पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और ये दूध डालने के बाद भी इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखें, तकरीबन 15 सेकेंड्स इसको भी मिक्स करेंगे कि अच्छे से इस मिक्सचर में हल हो जाए। तो ये देखिए, बगैर किसी मशीन के आसानी से हमने मिक्सचर बना लिया है। अब क्या आपने करना है, इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट डालने हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मेरे पास 1 कप और 3 खाने का चम्मच मैदा है, यानी कि 1 कप + 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे फ्लोर लिया है। और इसको आपने छान कर डालना है। मैं हमेशा अपने आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने जब भी बेकिंग करनी है तो मैदा और यानी जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट है वो आपने छान कर डालना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, केक अच्छे से बेक हो जाता है। 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा, ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है जो केक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बस यही 2 इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे, इसके अलावा कुछ आपने नहीं डालना। तो ये सारे इसके अंदर अच्छे से छान कर डाल लेंगे। ये देखें, बाहर नहीं गिरना चाहिए मैदा। ये देखें, आपको लम्स नज़र आ रहे हैं ना इस तरह से। अगर आप ये डायरेक्ट डाल देंगे तो केक अच्छा बेक नहीं होगा, तो इसलिए इसको छान कर डाला करें हमेशा। तो मैं सारा इसमें डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर अच्छे से छान कर डाल दिए। अब वही विस्क जो हैंड बीटर है, इसी से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म की गुठली ना रहे, यानी कि लम्स ना रहे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे हम इसे। तो ये देखें, अच्छे से बस आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए, मैंने आपके सामने इसे मिक्स किया है। बैटर देख सकते हैं कितना स्मूथ तैयार हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। बगैर किसी मशीन के अब आप केक बना सकते हैं, इतना स्मूथ सा मिक्सचर बना है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त ये बैटर बना है। ये केक आपको पूरे यूट्यूब पे रेसिपी नहीं मिलेगी, इतनी आसान रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे।
तो जैसा कि चोको चिप केक बना रहे हैं हम लोग, चॉकलेट चोको चिप, ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर ये चोको चिप्स जाएंगे। पाकिस्तान में कुछ इस तरह से मिलते हैं इस पैकिंग में, डिफरेंट पैकिंग्स में भी मिलते हैं, लेकिन जिस ज़्यादातर मैं इसी तरह जब भी जाती हूँ तो यही नज़र आते हैं। तो 100 रुपीज़ में आपको किसी भी अच्छे मार्ट से मिल जाएंगे ये। तो ये इसके अंदर 3 टेबल स्पून जाएंगे, आपने ज़्यादा नहीं करने, कुछ लोग ज़्यादा चोको चिप्स डाल देते हैं तो सिर्फ चोको चिप्स ही नज़र आते हैं, केक कम ही नज़र आता है तो वो अच्छे नहीं लगते। तो बस 2 या 3 खाने का चम्मच इसके अंदर ये जाएंगे। अगर आप सिंपल केक खाना चाहते हैं तो आप सेम इसी बैटर को बेक कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको डालने की, आप इसको निकाल के बस इसी तरह ये बैटर को बेक कर सकते हैं, ठीक है, सेम उसी टाइमिंग से। लेकिन चोको चिप केक बना रहे हैं तो इसके अंदर ये डलेंगे, तो मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो डालूंगी। तो ये देखिए, अब मैं आपके सामने इसके अंदर जो है ये 3 खाने का चम्मच चोको चिप्स डाल दूंगी। आप इसकी जगह स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आपने डालना है, ठीक है। और ये देखें, इसे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथों से इस पॉइंट पे मिक्स कीजिएगा। ये देखें, बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। बस इतना ही नज़र आने चाहिए, ज़्यादा नहीं आपने डालने, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो बस इसी तरह का बैटर हमारा तैयार होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको किसी और चीज़ का इसमें इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इसी बीटर का मैंने इस्तेमाल किया। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यही बीटर से हम बैटर बनाएंगे, किसी और चीज़ के इस्तेमाल नहीं होगा, ना स्पैचुला ना कोई और चीज़। तो बस ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है, अब हम मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 7 इंच का लूफ पैन लिया, जिसमें हम केक बेक करेंगे और इसको अब हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। यहाँ आप 8 इंच का भी ले सकते हैं, 6 इंच का भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप राउंड शेप में भी ले सकते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसलिए करते हैं ताकि केक ईजिली मोल्ड से बाहर निकल जाए, इसके साथ चिपके नहीं। तो बस अच्छे से आपने हर साइड को ग्रीस कर लेना है ब्रश से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो बस हर साइड्स को आपने इस तरह अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो देखिए, मैंने हर साइड को इसके अच्छे तरीके से ग्रीस कर दिया। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर मैदा कोट करना चाहते हैं, मैदा इसके ऊपर डालें 2 टेबल स्पून, अच्छे से जग इसको सेट कर लें तो आपको पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये कागज़ लगा रही हूँ, जो रजिस्टर्स का होता है ना, वो पेपर होता है ये इस तरह से, तो मैंने इसको कट कर लिया इसी शेप में। आप बटर पेपर लगाना चाहते हैं बटर पेपर लगा लें, और ये लगाना चाहते हैं ये लगा लें, ठीक है। मैं इसको लगा के इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। तो तीनों मेथड में से जो सा आपको आसान लगता है ना, तो आप वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मोल्ड अच्छे से ग्रीस हो चुका है, अब इसमें हम बैटर डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें अपना सारा बैटर डाल देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं कितना स्मूथ सा तैयार हुआ है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। सारा बैटर मैं इस तरह इसमें डाल दूँगी। तो देखिए, मैंने इसके अंदर सारा बैटर डाल दिया। अब आपने इसको इस तरह से टैप टैप करना है ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसके ऊपर जो है चोको चिप्स डालूंगी, ताकि ऊपर भी चोको चिप्स आए, अंदर हैं तो इसके ऊपर थोड़े थोड़े इस तरह से चोको चिप्स डालते जाएंगे। तो अब मैं आपको इसकी साथ साथ बेकिंग की टाइमिंग भी बता देती हूँ, ये साथ साथ डाल भी देते हैं। तो बेकिंग की टाइमिंग ये कि आपने से, जैसा कि आपको पता है हम पतीले में बेक कर रहे हैं विदाउट ओवन, तो पतीले में बेक करने का तरीका मैंने आपको सारा अपने चैनल पर बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कुछ लोगों से जो है केक जल जाता है, उनसे बेक नहीं होता, तो उन लोगों के लिए वो वीडियो बनाई गई है। तो और किसी को बेक भी नहीं करना आता पतीले में, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उसकी टाइमिंग। टाइमिंग ये है कि आपने इसे 40 से 45 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करना है, यानी कि ये केक 40 मिनट्स में भी बेक हो सकता है, 45 मिनट्स में भी, तो 45 मिनट या 40 मिनट इसमें बेक कर सकते हैं आप लोग। और पतीला आपने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर देना, जैसे ही आप केक का बैटर बनाने लगे तब आप पतीले को प्रीहीट कर दें, और मतलब प्रीहीट होने के लिए रख दें गर्म होने के लिए, और जैसे ही बैटर ये हमारा तैयार हो मोल्ड में डालें और बेक कर लें 45 मिनट के लिए। तो मैं इसे बेक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी, हमारा माशाल्लाह से केक बेक होकर आ चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी ये, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये राइस हुआ है। अब आपने इसकी साइड्स को इस तरह से लैदा कर लेना है ताकि केक मोल्ड से इजीली बाहर निकल आए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने जब इसे पतीले में बेक होने के लिए रख देना है ना, तो पतीले के ढक्कन को बार बार नहीं खोलना, इससे क्या होगा कि केक हमारा राइस नहीं होगा और फिर केक बैठ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात को जहन में रखना है। तो ये देखें, इस तरह इसकी साइड को मैंने अलहदा कर लिया, अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे जल्दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है पहले भी, तो इसलिए मैं अब इसको बस जल्दी से मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपने नहीं निकालना, वरना आपका हाथ जल सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं यहाँ पर केक को जो है मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी इस तरह से, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी ये, तो ये देखें आसानी से निकल गया ये। इसका पेपर उतारेंगे अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये लग रहा है, आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा। ये देखें साइड्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, इस तरह से आप लोग केक बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बगैर मशीन के बगैर ओवन के आप लोग केक बेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जी अब हम आपको यहाँ पे केक कट करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हम इसे कट करेंगे, ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बेक हुआ है, इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए एक पीस कट किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ऐसे आपने इस पर हाथ रखना है और इसे कट करना है, ठीक है। ये देखें दूसरा पीस भी बहुत ही ज़बरदस्त है, चेक करें इसकी सॉफ्टनेस, चेक करें, इतना आसान तरीका और इतना ज़बरदस्त केक आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको एक पीस पीस का तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। ये देखें ये चेक करें माशाल्लाह से कितनी आसानी से एक टूट गया और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, चेक करें। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, टी टाइम में इंजॉय करें, चाय के साथ सर्व करें इसे, फैमिली के साथ इंजॉय करें, इतनी आसान रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में इसका फीडबैक देना है कि आपको और आपकी फैमिली को ये केक कैसा लगा और इसका टेस्ट कैसा था। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको बताई है और बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको लास्ट में रिप्लाई दूंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपकी कोई MB नहीं लगेगी। आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और प्लीज़ आगे से आगे अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें जब अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।